नमस्कार दोस्तों, जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं दो जिले आपको करवा चुका हूं, जिनमें सबसे पहले श्री गंगानगर, सेकंड था हनुमानगढ़। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट है चूरू जिला, सीक्वेंस में चल रहा हूं। चूरू जिले का स्थान आज हमारे सबसे टॉप में रखेंगे और चूरू जिले की जितनी भी ऐतिहासिक बातें, सांस्कृतिक बातें, भौगोलिक बातें, सभी बातों को बारीकी से पढ़ने वाले हैं। और आप मेरे साथ जुड़े रहो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो फटाफट से। और मैं शुरू करता हूं चूरू जिला। जैसा कि आप लोकेशन देख पा रहे होंगे चूरू जिले की, चूरू जिले के है, ठीक है। और इसके अलावा राजगढ़ है, इसका नाम भी चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ की प्रमुख तहसीलें। और अब देखते हैं हम चूरू जिले की प्रमुख बातों को, ऐतिहासिक कड़ी क्या बोलती है चूरू जिले की, वो देखते हैं। जैसे एक कहावत में, एक जनश्रुति में मिलता है, ठोस जानकारी नहीं मिलती, कि चूरू के नाम से या चूड़ा के नाम से एक यहाँ जाट हुआ करता था और उस जाट ने लगभग 1620 ईस्वी के आसपास यहां पर एक नगर की स्थापना की थी जिसे चूरू के नाम से जाना गया था। जान दिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आजादी के टाइम में इसका क्या महत्व था। आजादी के टाइम की हम बात कर लें तो आजादी के टाइम के अंदर यह बता दूं आपको, विशेष बात यह थी 1947 से पहले चूरू बीकानेर रियासत का अंग था। चूरू किसका अंग था? बीकानेर रियासत का अंग था। वर्तमान में भी चूरू बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। आ गया अब 1 नवंबर 1956 के समय, जैसे ही राजस्थान अपने अस्तित्व के अंदर आया तो अब इसको एक जिले का दर्जा भी प्राप्त हुआ और चूरू अपने आप में एक पृथक जिले के रूप में मान्यता लेकर आज अस्तित्व में है, विराजमान में है। लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिला है जिसका नाम है चूरू, ठीक है। तो बता दिया चूरू के नाम से इतिहास मिलता है। 1620 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, ये बात कंप्लीट है। और मैं चूरू जिले की लोकेशन की बात कर लूं कि चूरू जिले के आसपास में क्या आता है, आसपास में बता देता हूं चूरू के, चूरू की आकृति कैसी। देखो इस प्रकार से, ये मान लो आपका ये आता है आपका राजस्थान, नॉर्मल मान लिया आपने। इसमें यहां गंगानगर, यहां पर हनुमानगढ़, ठीक है जी, मान लिया। यहां पर आपका आता है क्या, यहां है चूरू, ठीक है जी। इसके यहां पश्चिम में तो लगेगा बीकानेर, इसके पश्चिम में लगेगा बीकानेर से सीमा भी लगती है और उत्तर में लगेगा हनुमानगढ़, इसकी भी सीमा लगती है और दक्षिण में लगेगा यहां पर नागौर, इसकी भी सीमा लगती है। और ये जो दक्षिण पूर्व का भाग है, इस दक्षिण पूर्व के अंदर यहां लगता है सीकर, सीकर की सीमा भी इसके साथ में लगती है। फिर नेक्स्ट कड़ी में हम बात करें, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट लगता है पूर्वी भाग में, तो यहां लगता है झुंझुनू। इस प्रकार से चूरू अपना अस्तित्व रखता है। इसके साथ एक राज्य लगता है जो है हरियाणा, तो चूरू जिले में हरियाणा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये चूरू जिले के आसपास की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया मैंने, आसपास में प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार से है, चूरू जिले के आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताया। एक राज्य सीमा स्पर्श करता है जिसका नाम है हरियाणा, वो भी हमारी बात कंप्लीट हुई। आगे की बात अब देखते हैं चूरू में आगे और क्या महत्व है। अच्छा, चूरू जिले की महत्व को हम डायरेक्टली उठाते हैं, हम उठाएंगे सबसे पहले यहां का सांस्कृतिक महत्व प्लस यहां का ऐतिहासिक महत्व, यहां के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में देखते हैं हम, बिल्कुल बारीकी से देखेंगे क्या महत्व है। देखो यहां पर एक तहसील सावा बहुत इंपॉर्टेंट है, सावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उठाए सबसे पहले सावा, सावा की विशेषता क्या है। एक तो यहां पर गुरुद्वारा बना हुआ है, सावा का गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है। कारण ध्यान रहे, हमारी दो पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है जीके के अंदर, महीनों के अंदर दो पूर्णिमा कौन कौन सी। एक तो बड़ी महत्वपूर्ण है कार्तिक पूर्णिमा और एक महत्वपूर्ण है माघ पूर्णिमा। माघ के बारे में याद कर लेना, डूंगरपुर में एक धाम पड़ता है बनेश्वर धाम, वो बनेश्वर धाम जो मेला फेमस है डूंगरपुर का, वो माघ पूर्णिमा को भरता है। और सावा का जो गुरुद्वारे का मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ध्यान रहे, कार्तिक पूर्णिमा को भरने वाले और भी बहुत से मेले हैं। इसी कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भरता है जिसे बोलते हैं कोलायत जी का मेला। कोलायत जी के मेले को ही कहा जाता है कपिल मुनि का मेला, क्योंकि कोलायत की स्थापना कपिल मुनि ने की थी और यही झील भी है, कोलायत झील है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के प्रणेता थे ये कपिल मुनि, बीकानेर इनका कार्य क्षेत्र था, ठीक है। कपिल मुनि का मेला भर गया। इसके अलावा हम बात करें पुष्कर का मेला,
पुष्कर जो प्रमुख मेला भरता है वो कार्तिक में भरता है। इसके बाद हम बात करें चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला ये भरता है झालावाड़ के अंदर भरता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा नदी किनारे भरता है। तो इस प्रकार से ये कार्तिक पूर्णिमा को भरने वाले प्रमुख मेले थे। इसी कार्तिक पूर्णिमा को जन्म हुआ था सिखों के संस्थापक जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था, गुरु नानक देव जी का जन्म 1479 में पूर्णिमा का दिन हुआ था, इसलिए गुरु पर्व बनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा दिन। सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे हिंदुओं के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कार्तिक पूर्णिमा। इस प्रकार से इस दिन व्रत रखने का भी महत्व माना जाता है। ठीक है, ये बात यहां तक हुई कंप्लीट। अब इस सावा का महत्व क्या है? राव बीका, राव बीका के चाचा जी थे, इनके चाचा या काका एक ही बात है। चाचा बोले तो मतलब बिक्का किसका बेटा है? जोधा का, मतलब जोधा का बेटा है। तो कान चाचा, बिक्का का तो चाचा है और बिक्का क्या है? चाचा है। और जोधा का क्या है? ये भाई है। और व्यक्ति का नाम है कांदल जी। कांदल जी, इनका संबंध भी सावा से रहता है। क्यों? कारण बताओ। यहां पर कांदल जी हिसार के नवाब के साथ युद्ध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष करते करते सावा में वीरगति को प्राप्त हो गई। यहां पर एक स्मारक बना हुआ है, एक चौक बना हुआ है जिन्हें कांदल स्मारक के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक स्मारक जिसका नाम कांदल स्मारक, कौन थे? बीका जी के चाचा थे और जोधा के ये भाई हुआ करते थे। जब बीका जोधपुर से अलग हुआ तो इनके सेना के अंदर जो मुख्य सेनापति थे और इनका जो पूर्णतः सहयोग करने वाले थे, पूरी दया दृष्टि साथ में थी, तो वो कांदल जी के साथ में हुआ करती थी। तो वो कांदल स्मारक कहां बना हुआ है? सावा के अंदर बना हुआ है। इस प्रकार सावा का योगदान था। ठीक है जी, सावा की बात होगी कंप्लीट। अब सावा के बाद हम चलते हैं आगे। आगे चलेंगे तो इसके बाद एक प्रमुख तहसील है तारानगर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तारानगर को आप जानते हो, शिक्षा क्षेत्र में आजकल खूब इसने खूब लहर जगा रखी है। टैगोर स्कूल यहां का, टैगोर कॉलेज है, अच्छी लहर जगा रहा है तारानगर के अंदर, बहुत शानदार। बाकी कोई विशेष बात नहीं, आसपास में यह एक मंदिर जरूर फेमस है, एक शिव जी का मंदिर है यहां पर, एक माता का मंदिर है, ये दो मंदिर फेमस है तारानगर के आसपास के। बाकी तारानगर की कोई खास बात नहीं है। फिर हम देखते हैं तारानगर के अलावा चूरू जिले की विशेष बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरदार शहर को, यह महत्वपूर्ण है। सरदार शहर, इस नगर की स्थापना किसने की थी? बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे। इन्हीं सरदार सिंह ने यहां पर एक नगर की स्थापना की। वो नगर कौन सा था? सरदार शहर था। सरदार शहर नगर की स्थापना कर दी। इसके अलावा यहां पर एक कला केंद्र है जहां भित्ति चित्रों का संग्रहण दिखाया गया है, जिसे नाहटा संग्रहालय बोलते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। नाहटा संग्रहालय कहां पर आता है? सावा के सरदार शहर के अंदर आते हैं। सरदार शहर की विशेष बात होगी। सरदार शहर के बाद में यहां सरदार शहर से निकलते ही जब हम रतनगढ़ की तरफ आएंगे, तब यहां मेगा हाईवे पे एक बहुत ही शानदार, इन 10 सालों में अपने आप में जिसने एक स्थान ग्रहण किया है स्थापत्य के अंदर और धार्मिक स्थान के अंदर, जिनका नाम है इच्छापूर्ण बालाजी, बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छापूर्ण बालाजी बहुत ही शानदार स्थान है। यहां पर जोधपुर के बादामी पत्थरों से एक बहुत शानदार बालाजी महाराज का एक मंदिर बना हुआ है, शिवजी महाराज के बराबर मंदिर बना हुआ है, इच्छापूर्ण बालाजी के नाम से फेमस है। मतलब भक्तों की इतनी तादाद रहती है कि 10 सालों के अंदर इस मंदिर ने बहुत अच्छा अपना रोल जमा कर लिया है, बहुत ज्यादा। मतलब इस रोड पे, इस मेगा हाईवे पे आने जाने वाले लोगों में से 80% लोग यहां पर रुकते हैं। इतना बड़ा देखो एक पर्यटक स्थल भी कह सकते हो, मतलब यहां लोग नॉर्मली रुक जाते हैं, नॉर्मली भी यहां फोटोग्राफी करने रुक जाते हैं मंदिर की कलाकृति देखने के लिए। इस मंदिर ने अपना अच्छा रोल किया है। ठीक है जी, ये हो गया सरदार शहर। ठीक है, सरदार शहर कर लिया। सरदार शहर के बाद में करवाने वाला हूं आपको सुजानगढ़, बहुत महत्वपूर्ण ये भी। सुजानगढ़ की बात करें, सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ तहसील के अंदर यहां पर एक उपखंड लगता है जिसका नाम है सालासर, बहुत महत्वपूर्ण है सालासर, जैसा कि आप जानते हो। सालासर की बात करें, सालासर का नाम भी काफी है, आप सभी जानकार हो। 1754 के समथिंग की बात है,
यहां पर एक मोहनदास जी करके एक संत हुए, मोहनदास जी महाराज। मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया और वो प्रतिमा दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा है। और आज इस मंदिर ने भी बहुत शानदार रोल ले रखा है। मंदिर ने भी सालासर बालाजी मंदिर आप सभी जानते हो, बहुत अच्छा दरबार है बालाजी महाराज का, अच्छा चमत्कारी है। मोहनदास जी का यहाँ पर धुना जागृत है और इसी बालाजी महाराज की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा से लगभग 1 किलोमीटर दूर बालाजी महाराज की मम्मी जी इन अंजना माता का मंदिर भी इसी के पास में आता है सालासर बालाजी में। ठीक है, बोल सच्चे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। तो बालाजी महाराज यहां पर एक खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी होती है। खेजड़ी का पेड़ पूजनीय है, जुड़ुल्ला उतरता है यहाँ। बहुत से समाजों का समाज है उनका जुड़ुल्ला भी बालाजी महाराज के यहाँ उतरता है। तो ये सालासर की यहाँ विशेषता आती है। बालाजी महाराज की स्थापना करवा दी, सुजानगढ़ तहसील के अंदर बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। ठीक है जी, इसके अलावा हम बात करें सालासर के पास ही यहां पर एक भैरू का मंदिर और फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण है भैरू जी का मंदिर। भैरू जी का मंदिर है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि यहां पर कौन से भैरू हैं, नहीं तो अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि सालासर बालाजी के पास में कौन से भैरू जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है जी, इसी भैरू जी मंदिर के पास में यहां पर एक स्थान और पड़ता है माता का, वहां बहुत प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और चारों तरफ मरुस्थल है और मरुस्थलीय प्रदेश में थोड़ी बहुत चट्टाने हैं और उन चट्टानों के ऊपर यहां पर एक माता का मंदिर बना हुआ है, जिस माता को सांडन माता या शानन धाम के नाम से, ये शानन धाम के नाम से जाना जाता है। शानन धाम बोलते हैं, शानन धाम, तो शानन धाम के नाम से फेमस धाम है। बहुत जोरदार यहां पर भी माता का मंदिर बना हुआ है, फेमस माता का मंदिर शानन धाम, ये भी चूरू के अंदर यहां पर आती है। ठीक है, यह बात भी हमारी होगी कंप्लीट। सुजानगढ़ तहसील को भी मैंने करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की, कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसा कि आप जानते हो बालाजी महाराज का बहुत शानदार यहाँ इतिहास में रोल रहता है और आज भी सांस्कृतिक रूप से धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पूजनीय स्थान है। ठीक, शानन धाम बता दिया, शानन धाम का अच्छा महत्वपूर्ण योगदान, भैरव जी का मंदिर बना हुआ है, उल्टे भैरव जी बोलते हैं इनको, उल्टा कुएं में टांग दिया था, कुआ बना हुआ है इस प्रकार से। गांव का नाम मैंने आपसे कमेंट में पूछा है, कौन सा गांव वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर हम और विशेषता देखते हैं यहां के क्षेत्र की बात करें चूरू जिले की, तो चूरू जिले के अंदर लगभग बातें मैंने करवा दी। हां, अब देखो प्रमुख चूरू की बात करें तो यहां पर बना हुआ है धर्म स्तूप, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म स्तूप बना हुआ है चूरू के अंदर, ऐतिहासिक है धर्म स्तूप, चूरू का धर्म स्तूप चूरू नगर के अंदर ही आता है। चूरू का किला, इसकी तो बात ही अलग है। चूरू के किले के बारे में यह बात मिलती है कि एक बार यहां की विशेषता यह बताई जाती है कि युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान यहां युद्ध करते करते गोला बारूद खत्म हो गया, बारूद खत्म होने के दौरान यहां के शासक ने, यहां के ठाकुर ने चांदी के गोले दबाने चलाने शुरू कर दिए थे, चांदी के गोले छोड़े गए थे, तो वो एकमात्र दूर कौन सा है, चूरू का किला आता है जहां पर चांदी के गोले भी चला दिए गए थे। तो इस प्रकार से यहां की स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये बात होगी हमारी पूरी। और भी इसके अलावा भी कोई कल्चर विशेष की बात है मैं ध्यान में जैसे ही मैं बता दूंगा भी। अब थोड़े हम भौतिक प्रदेश की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, क्या है चूरू जिले की विशेषताएं। जैसा आप जानते हो पूर्णतः मरुस्थलीय प्रदेश में आता है चूरू जिला, आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां है हमारा चूरू, चूरू की बात करें भौतिक प्रदेश तो ये आता है राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश में, अर्ध शुष्क प्रदेश बोल दो चाहे इसे राजस्थान का बांगर प्रदेश बोल दो, एक ही बात है चूरू की बात। आलू जी, बांगर प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश एक ही बात है। अधिकांश है इसके भाग पर क्या फैला हुआ है, मरुस्थल फैला हुआ है। हल्के फुलके भाग पे कोई वो माता मंदिर वगैरह वगैरह वहां कोई थोड़े पथरीला भाग है, बाकी इसके लगभग 95% भाग पे चूरू के ऊपर क्या है, बड़े बड़े धोरे टिल्ले इस प्रकार से यहां फैले हुए। ठीक है, ये तो है यहां के भौतिक स्थिति के बारे में बात। अब है जलवायु की बात, हम जलवायु की स्थिति की बात करें तो जलवायु की स्थिति तो उपोष्ण जलवायु में आता है। ठीक है, लेकिन यहां की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। चूरू जिले की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु चूरू जिले की है। इसके बाद हम बात करें नदी विशेष की बात करें, चूरू जिला हमारा ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं है। चूरू के साथ साथ
बीकानेर भी एक ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं आती है। अब हम बात कर ले यहां के वन्य जीवन के बारे में, बात कर ले वाइल्ड लाइफ चूरू जिले की क्या बोलती है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण जरूर है, ध्यान रहे चूरू की तहसील जिसके अंदर आता है सुजानगढ़ के अंदर एक गांव है जिसका नाम है छापर गांव पड़ता है यहां पर, नागौर के पास सीमा लगता हुआ यह गांव पड़ता है जिसका नाम है छापर गांव का जो उल्लेख है इसका उल्लेख महाभारत के अंदर भी मिलता है, पर वहां पर छापर नहीं मिलता, वहां पर द्रोणपुर के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि द्रोणाचार्य की ये कर्मस्थली हुआ करती थी और यहां पर एक झील बनी हुई है और उस झील का नाम आज यहां पर देते हैं ताल छापर के नाम से। छापर गांव की ताल में झील बन गई इसलिए इसको ताल छापर बोल दिया। ताल छापर यह महत्वपूर्ण है। ताल छापर झील के आसपास ही यहां पर फैला हुआ है एक अभयारण्य जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, जिसे हम जानते हैं ताल छापर अभयारण्य के नाम से जानते हैं। ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले के अंदर आ गया, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जी, ताल छापर का क्या योगदान है? ताल छापर का योगदान एक ये है कि एक तो यहां पर देखने को मिलता है कुरंजा पक्षी, वो कुरंजा की है जी। कुरंजा एक साइबेरिया का पक्षी है, कुरंजा एक साइबेरिया का पक्षी है जो शीतकाल में यहां पर हमारे राजस्थान में भ्रमण करने आता है। कुरंजा पक्षी सर्वाधिक जिस गांव के अंदर आता है उस गांव का नाम है फलोदी का खिंचन गांव। किस गांव में सर्वाधिक कुरंजा पक्षी आते हैं? खिंचन गांव। खिंचन गांव कहां आता है? खिंचन गांव आता है जोधपुर के अंदर, ठीक है जी। खिंचन गांव फलोदी का खींचता है कुरंजा पक्षियों को, खींच दिया। इसके अलावा हम झील की बात करें तो ताल छापर झील में सर्वाधिक कुरंजा पक्षी विचरण करते हैं, घूमते हैं। साइबेरिया का पक्षी है, विदेशी पक्षी है जो यहां विचरण करने आता है, ठीक है जी। कुरंजा एक होटल भी है आरटीडीसी का, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम का एक होटल है कुरंजा के नाम से। कुरंजा होटल किस जिले से संबंध रखता है? तो इसका नाम है संबंध है नागौर से। नागौर जिले में होटल है जिसका नाम क्या है? कुरंजा होटल आता है, नागौर और चूरू की सीमा पर रह जाता है, दोनों क्षेत्रों के बीच में यह अपना रोल रखता है, यह कुरंजा होटल रहता है, ठीक है जी, रख दिया। इसके अलावा ताल छापर अभयारण्य के अंदर एक घास पाई जाती है जिसे यहां स्थानीय लोग मोतिया के नाम से जानते हैं और इसी घास को साइप्रस रोटंडस भी कहा जाता है। इस घास को साइप्रस रोटंडस के नाम से जाना जाता है। किस घास को जानते हैं? ताल छापर में जो पाई जाती है मोतिया घास पाई जाती है। इसके अलावा ताल छापर की सबसे विशेष बात जो इसको पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध करती है वो है यहां के काले हिरण। भारत में सर्वाधिक काले हिरण सर्वाधिक किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो काले हिरण सर्वाधिक ताल छापर अभयारण्य में पाए जाते हैं। काले हिरण हो गए, मोतिया घास हो गई जिसे साइप्रस रोटंडस के नाम से जानते हैं, द्रोणाचार्य की कर्मस्थली हो गई, द्रोणपुर के नाम से फेमस था, आज ताल छापर के छापर गांव के नाम से जानते हैं, सुजानगढ़ तहसील का अंग आता है, कुरंजा पक्षी यहां देखने को बहुतायात में मिलता है, ये सब बातें आ गई। यहां पर हमारे वन्य जीवन के बारे में बात थी, वो बात यहां पर कर दी कंप्लीट। अब हम बात कर ले उद्योग विशेष की, बात करें उद्योग विशेष में यहां पर आपको मिलेगी चुन्ने की, यहां पर फैक्ट्रियां मिलेगी, चुन्ने की फैक्ट्री देखने में खूब मिलती है। रही बात कृषि में, कृषि में बात देखी जाए तो इसका योगदान कोई बड़े स्तर पे नहीं है। चूरू जिला कृषि में किसी प्रकार से उत्पादन करने में अगर नहीं आता है, नॉर्मल है, ठीक है, जो शेखावटी प्रदेश में नॉर्मल जो खेजड़ी वृक्ष खेजड़ी की फलियां होती है, सांगरी वगैरह होती है या झड़की वगैरह नॉर्मल होती है, कोई विशेष योगदान नहीं है उत्पादन के अंदर, ये बात आती है, ले देके सारी बात ये है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि उत्पादन के बाद उद्योगी बात कर ली और उद्योग के बाद अब इसकी बात बसती है पर्यटक के बारे में, बता दिया पर्यटक स्थल में कितना योगदान है। फिर और अन्य विशेष बात जिनके कारण चूरू जिले का नाम कहीं ना कहीं आगे रहता है, इसकी दो तहसील है, एक तो है सरदारसर, दूसरी है रतनगढ़। विद्यार्थियों ये दो तहसील ऐसी है, दो नगर ऐसे हैं, इनकी जमीन में धरातल में लगभग 90 सेंटीमीटर नीचे चुनने की परत पाई जाती है। चुनने की क्या पाई जाती है? चुनने की परत पाई जाती है जिससे क्या होगा, ये चूरू जिले का भाग फटाफट जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा
और जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में सर्वाधिक गर्म और सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा और गर्मियों में सर्वाधिक गर्म कौन सा रहता है, चूरू जिले का स्थान रहता है। यही कारण है, कई बताते हैं नहीं गुरुजी यहाँ की तो मिट्टी बहुत मोटी है, दाने मोटे हैं, कोई का पतला है, कोई का ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेन बात यह है कि यहाँ के धरातल में चूने की परत पाई जाती है और वो फटाफट फ्लोराइड की मात्रा भी यहाँ सर्वे सुजानगढ़ के आसपास तो फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। पानी पूरा ही अलग है, स्वाद ही पानी का बिल्कुल अलग आता है यहाँ तो, मतलब आम जो हम पानी पीते हैं उत्तरी राजस्थान में तो यहाँ तो पानी पी ही नहीं पाते, इतना पानी ऐसे जैसे कोई सर्फ घोल के पानी पी रहे ऐसा पानी यहाँ लगता रहता है। ये एक बात यहाँ चूरू जिले की और बताई थी आपको मैंने, तो ये थी चूरू जिले की प्रमुख बातें। अच्छा हाँ एक बात और आती है, देखो अभी हाल ही में बड़ा स्थान फेमस हुआ है तिरुपति बालाजी का, आपने नाम सुना होगा। तिरुपति बालाजी दक्षिणी भारत का बहुत फेमस मंदिर है जहां पर बहुत ज्यादा सोने का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तिरुपति बालाजी का मंदिर भी सुजानगढ़ तहसील में यहां पर स्थापित हुआ है और ये मंदिर खास पुराना नहीं है, 1994 में यहां पर ट्रस्ट बना के तिरुपति के ट्रस्ट बनाया गया था और ट्रस्ट के तहत एक मंदिर बना है वो भी बहुत फेमस मंदिर है, आज हाल फिलहाल में तिरुपति के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा मैं कुछ और बात कर लूं, देखो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक हवेलियां हैं वो तो पाई जाती है, देखो जैसलमेर के अंदर हवेलियों का शहर जैसलमेर को बोलते हैं, इसके बाद भी सर्वाधिक हवेलियां है ना। हवेलियां की बात करें तो वो हवेलियां सर्वाधिक आएगी चूरू जिले के अंदर, बहुत सी हवेलियां हैं, 6-6 मंजिल की हवेलियां हैं वो हमारे चूरू जिले के अंदर, बहुत सी यहाँ महली हवेलियां आ जाती है, हवेलियों के लिए भी फेमस है यहाँ चूरू जिला। और जी और रतनगढ़ के पास 1899 ईस्वी में जब यहाँ छपनिया काल पड़ा तब यहाँ पर एक तालाब बनाया गया था, एक जोड़ा बनाया गया था जिससे सेठानी का जोड़ा के नाम से या सेठानी का तालाब या सेठानी का जोड़ा के नाम से जाना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है, सेठानी के जोड़े का निर्माण, जोड़ा कच्चे तालाब को ही बोलते हैं, सेठानी के जोड़े का निर्माण 1899 मतलब इस काल को बोलते हैं छपनिया अकाल। क्यों बोलते हैं छपनिया काल, क्योंकि आप जानते हो सभी क्योंकि ये तो ईस्वी है, विक्रम संवत निकाले तो कितना बनेगा 1956 निकलेगा, क्योंकि 57 जोड़ेंगे तो ये तो विक्रम संवत आएगा ना, इसलिए इस काल को छपनिया काल बोलते हैं विद्यार्थियों। ये आपके एग्जाम में आने लायक जितने भी चूरू जिले के संबंधित बातें थी, मैंने पूरी बातें आपको सारी की सारी करवा दी, ये चूरू जिले की कंप्लीट बातें आपकी आपके सामने है, चाहे वो कल्चर से संबंधित है, चाहे वो इतिहास से संबंधित है, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार से ज्योग्राफी से संबंध रखती है, मैंने सारी बातें आपको कल्चर की इनकी करवा दी। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, वो नया डिस्ट्रिक्ट आपका होगा झुंझुनू। तो आज चूरू जिला आपने इतना ही किया था और फिर नए जिले में मिलेंगे, वो जिला आपका कौन सा होगा, झुंझुनू जिला होगा। ओके तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।